वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आंवले, और ऐसा आंवले का अचार आपने पहले नहीं खाया होगा जो मैं डालने वाली हूँ। तो आज बनाएंगे आंवले का अचार। तो देखिए, मैंने ये आंवले कट कर लिए हैं। कैसे, आप थोड़ा सा इधर से इसको ऐसे निकाल दीजिए जो ब्लैक है, और थोड़ा सा ये इधर से ऐसे आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं थोड़ा सा काला नजर आता है तो आप इसको, वैसे आंवले बहुत साफ हैं, तो एक बार ऐसे कट लगाएंगे और एक बार ऐसे, तो ये आपकी जैसे फाक फाड़ी जैसे निकल जाएगी। और ये फिर आप इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे कट लगाएं, चक्कू को टेढ़ा करें, और इस तरह से आप ये पूरा आंवला निकाल लेंगे। और जब लास्ट में रह जाए ना, उसको इस तरीके से निकाल दीजिए। अब जो थोड़ा है इसकी गुठली से पूरा साफ कर लीजिए। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है, और इस तरह से गुठली आपकी बच जाती है। आप देखिए, हम इसको बहुत अच्छा अचार बनाने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रात भर हमने 24 घंटे के लिए, बल्कि रात और दिन हमने इसको नमक लगा के रख दिया था आंवले को। और मैं आपको यहां दिखाऊं, ये देखिए इसमें काफी सारा ये पानी नीचे है, देख रहे हैं ना आप, ये सारा नमक वाला पानी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे निचोड़ेंगे थोड़ा सा, जितना पानी इसमें से निकल सकता है, वैसे निकलेगा नहीं, आप बस ऐसे निचोड़ेंगे, दो तीन बूंद ही आपका निकलेगा ऐसे, देखिए बहुत कम। और इसको हम एक अलग से उसमें रख लेंगे, इसको हमें सुखाना है, अच्छे से इसको ड्राई करना है, इसकी नमी जो है निकाल देनी है। और यकीन मानिए, ये बहुत टेस्टी और लंबे समय तक टिकने वाला अचार बनेगा, तो आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा अचार, पूरा सॉरी आंवला ये ऐसे निकाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने सारे आंवले निकाल लिए हैं, और ये बचा है इसमें पानी, तो इसको हम अलग रखेंगे और आंवलों को कपड़े पर फैलाकर सुखा लेंगे। सबसे पहले एक हमने सूती साफ कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर हमने ये पानी निकाल लिया जैसे आपको बताया, उसके बाद हमने इसको ऐसे फैला लिया है, इसको अच्छे से सूखने देंगे। जब ये इसका पानी वानी बिल्कुल साफ हो जाएगा ना, सूख जाएगा, तब हम इसको आपको दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये आंवला जो है ये पूरी तरह से ऐसे सूख गया है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इसके मसाले तैयार करते हैं। अब ये देखिए, आंवला ऐसे निकाल लिया हमने एक बाउल में, और हमने कलौंजी ली है 20 ग्राम, नमक लिया है 2 टेबलस्पून, और लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर 10-10 ग्राम के करीब लिया है, 1-1 टेबलस्पून, और ये सौंफ भी हमने 20 ग्राम ली है, और मेथी भी मैंने 20 ग्राम ली है। एक्चुअली जो आंवला था वो मैंने 700 ग्राम कटने के बाद था, मेरा कटने के बाद जो आंवला बचा वो 700 ग्राम था, थोड़ा आंवला मैंने किसी और चीज में यूज कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 1 किलो का भी आपको मेजरमेंट दे दूंगी। ये सौंफ है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, सौंफ और मेथी को, इवन कलौंजी को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है हल्का सा, ताकि क्या है, बरसात है, ये सीलापन उसका निकल जाए। इनको हम दोनों को ग्राइंड करेंगे और कलौंजी को ऐसे ही डालेंगे। तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, और जब तक हम ग्राइंड करते हैं, हमने ये मस्टर्ड ऑयल को पका लिया है, 1 कप तेल लेके मैंने उसको पका लिया है, गैस को ऑफ कर दिया है। बाउल में सौंफ है और इसमें हमने मेथी, इस तरह से हमें ये दरदरा पीस लेना है। मिक्सी के जार में मेथी है और ये सौंफ है, तो दोनों को दरदरा पीस लें। और ये देखिए, जैसे ही तेल थोड़ा ठंडा हो, हमने इसमें से निकाल भी लिया है आधा कप ना, देखिए मैंने अभी आधा कप यूज किया है, तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच हींग, इसके बाद डालेंगे कलौंजी, गैस को हमने ऑफ कर दिया है, फिर डालेंगे सौंफ, इसको ऐसे चलाते रहेंगे, और देखिए बिल्कुल हल्का गर्म रहना चाहिए तेल। ये डाल दी हमने मेथी। ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।
अब हम डालेंगे इसमें ये हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर। ये देखिए कितना अच्छा चिल्ली की वजह से कलर आ गया है। और नमक ना हम पहले बहुत थोड़ा सा डालेंगे, टेस्ट कर लेंगे हम, है ना। इसको मिक्स करेंगे। आप देखिए गैस मेरी ऑफ है, तो ऐसा आप करिएगा, क्योंकि नहीं तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। बहुत तेज गरम तेल में आपको नहीं करना है। और अब हम डाल देंगे इसमें आंवले। बिल्कुल सूखे सूखे आंवले हैं। तेल हमने इसलिए अलग से निकाल लिया है कि अगर डिप ना हो ना आंवला, क्योंकि आंवला जल्दी खराब होने का डर रहता है, तो आप ऊपर से डाल दें उसमें। पहले आप ऐसे ही मसाला अच्छे से कोट हो जाए इन पे और इनको ठंडा होने दें। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर अचार बन गया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे, हमें नमक कम लग रहा है। तो ये करीब करीब मैं बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब नमक बच गया है, और वो ऊपर से भी डाल सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, नमक ही प्रिजर्व करता है इसको। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसको जार में भर के रख देंगे, आपको मैं दिखाऊंगी, और ऊपर से हम ऑयल डाल देंगे। यकीन मानिए ये अचार बहुत टेस्टी लगता है और काफी समय तक रुक भी जाता है। ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो मैं इसी बाउल में आपको दिखा रही हूं। ये ऊपर से अब हम जो बाकी बचा हुआ तेल है ना वो डाल देंगे। ये ऐसे हम इसके ऊपर ये बाकी बचा हुआ तेल डाल देंगे, और इससे ये अचार प्रिजर्व रहेगा। और मैं यहां आपको बताऊं, मैंने 2-3 तरह से ये अचार डाला है। अगर आपको उनकी भी रेसिपी चाहिए ना, तो मैं वो भी आपको दूंगी। ये देखिए एक अचार मैंने इस टाइप से डाला है, पीस के मसाले, ये देखिए। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी भी मैं दूंगी, आंवले का अचार। और ये हमारा बढ़िया सा आंवला बनके तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।